सो गाइज फर्स्टली अभी कॉन्ग्रेचुलेशन, काफ़ी ग्रेट रिस्पॉन्स मिला है एक दिन में। मैं जब देख रहा था गाने को, डोनल यू ऑलवेज हैव दोज थिंग्स which look very good in the music and आपके की आवाज़ में this is the third time or the fourth time we are doing interview in the same place। हाँ, क्या response मिला है लोगों की तरफ से अब तक आपने? बहुत अच्छा response है। We loving seeing the comments of people and everything। बहुत अच्छा है, बहुत positive है, बहुत regular बात कर रहे हैं हम basically कि रूट हो तो मना लो। and usually लड़के मना रहे होते हैं लड़कियों को। इस बार मैं चाहता था कि हमें भी कोई मनाने, हमने क्या बिगाड़ा है। This song is for guys। कभी आपको किसी ने मनाया, कोई लव वंस ने, या फिर आपने कभी किसी को लव वंस को? हम तो मनाते ही हमेशा ही, बट अब मेरे को भी मनाते हैं लोग। सो दैट्स द रीज़न आई थॉट कि ये टू एंड फ्रो एक होना ही चाहिए डेफिनेटली। और लिरिक्स भी इस तरीके से लिखवाए गए थे कि इट नीड्स टू बी वेरी मैटर ऑफ फैक्ट, कि जो हर दिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो होता है और कपल्स में ज़्यादातर ये होता ही है, यंग कपल्स में तो होता ही है। yes। कि रूठते हैं मनाते हैं, रूठते हैं मनाते हैं। तो दैट्स हाउ इट इज। डोनल, आपसे जानना चाहूँगा, ये रूठने मनाने में आप किसी को मनाते हैं या फिर कोई आपको मनाया आज तक? मुझे ही मनाते हैं। आई थिंक लड़कियों को वो ना ऐसा होता ही है कि लड़के ही मना देते हैं लड़कियों को। और लड़कियां रूठे ना, थोड़े से नखरे ना हो, थोड़ा सा प्यार नोकझोंक ना हो, तो वो क्या मज़ा है ना। कुछ ना कुछ ऐसा होते रहना चाहिए। और जो हमारा ये सॉन्ग है मना लिया कर, तो ये उसी चीज़ को डेडिकेट करते हुए है। तो अभी अगर आपके कोई लव्ड वंस जो है वो रूठ जाए आपसे, तो आप ये गाना फटक से लगा दो और वो मान जाएंगे। कितना लाइक अमेजिंग टाइम पे आप लोगों ने रिलीज किया है। वैलेंटाइन डे भी आने वाला है, क्या लगता है वैलेंटाइन डे के लिए कितना परफेक्ट गाना है ये? बहुत परफेक्ट है, क्योंकि इट्स अ डे सेलिब्रेटिंग लव एंड लव्ड वंस के बीच में ही नोकझोंक होती है यूजुअली। Yes। तो उस हिसाब से ही, और एक रोमांटिक सिचुएशन में है, मैं इनके पीछे पीछे भाग रहा हूँ बर्फ़ में भी। कि भी मना लिया करो अगर ऐसा सिचुएशन। और सिचुएशंस प्रेजेंट की हैं अंतरों के अंदर। सो इट्स वेरी, इट वाज अ फन शूट, वी हैड अ लवली टाइम एंड पंजाबी लोकेशन, कश्मीर वाज अमेजिंग। पंजाबी बहुत मीठी लैंग्वेज है, तो जब मैं रूठ जाऊँ तो मना लिया करो की जगह जदो रुठ जावा मैं मना लिया कर, एक रिदम आ जाती है गा के। अगर वही चीज़ हिंदी में करेंगे तो वो इतनी सुंदर और इतनी प्यारी शायद ना साउंड करे। कश्मीर की बात ही अलग हुई है। गाना चालू ना हो उससे पहले रोमांटिक, ऑलरेडी रोमांस हो जाता है। एंड आप, मैं देख रहा था जब डल लेक की, आप फर्स्ट सीन ही डल लेक का था। हाँ। अगर आपको उसकी पीछे कोई कारण स्टोरी आप बताना चाहो कुछ, क्योंकि वो काफी रोमांटिक प्लेस है, कश्मीर की सबसे रोमांटिक जगह। आप डल लेक जाते हो, आप उन वादियों से, उस पानी से ऐसे प्यार हो जाता है। दैट्स अ फीलिंग, यू नो। और ये जो सॉन्ग पिक्चराइज किया है वहाँ पे, आई थिंक दिस वाज द बेस्ट डिसीजन। जो गुलमर्ग फुल ऑफ स्नो, एवरीवेयर यू सी इट्स अ पिक्चरस्क लोकेशन। और आई थिंक जो बोट वाला सीक्वेंस है वो एक ऐसा एक ब्रिज सा है, उसके नीचे से हम लोग जाते हैं एंड ड्रोन से पूरा शूट हो रहा है। मैं तो ऐसे खो गई थी वहाँ पे कि ओ माय गॉड, it's such a beautiful, it was serene awesome। we have so many BTS of that, है ना हम लोग। fun moments बहुत। ऐसी बात जो अगर बताना चाहो, मैंने इनको गढ़वाली गाना सिखाया है। वहाँ के लोगों से जब बातचीत करे एक अलग ही टोन रहता है। करेक्ट। हाँ। वो रोमांटिक किस्से सुनाते रहते हैं उस जगह। कोई आपसे, कोई ऐसे इंसान से मुलाकात हुई? बहुत, इनफैक्ट सारे ऐसे हैं वहाँ। दे आर, वो टेम्पलेट बना हुआ है वहाँ पर, बिकॉज आई थिंक दे आर वेरी टूरिस्ट फ्रेंडली। यस। सो दे नो हाउ टू कीप द टूरिस्ट हैप्पी, दे नो हाउ व्हाट टू से, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। और वो शॉपकीपर्स होते हैं अपने डल लेक पे ही, वही उन्हीं बोट्स के अंदर वो शॉपकीपर्स भी हैं, शिकारा बोलते हैं इसमें, शिकारों के अंदर। और वो वहाँ ज्वेलरी भी बेच रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। डोनल को, हम साथ में थे, लेक से हम लोग क्रॉस कर रहे थे हाउस बोट टू द एरिया। तो उसको बोला कि आप आ जाओ, देख के जाओ, हमें भी कुछ गुड लक दे के जाओ और हमसे लेके जाओ। यदि ये हमारा साहब काम बाटर का, हम इन्फ्लुएंसर, पेड और बाटर वी डोंट पे। हम नहीं देते हैं, आप हमें पैसा देंगे तो मैं आपको स्टोरीज पे डालूंगी अपने, उसको बोल रही जाके। I very seriously am talking about it ना। वो वीडियो पे it's damn funny। We were just reviewing all the videos also and he has recorded that. That was fun actually. And इसके अलावा आप लोगों की केमिस्ट्री काफी अच्छी लगी, पर पहली मुलाकात किस तरह से थी? इस सॉन्ग के पहले कभी मुलाकात हुई या फिर बेसिकली ये सॉन्ग में मुलाकात आप लोगों की? एयरपोर्ट पे हुई डायरेक्टली मुलाकात, और फ्लाइट में हम लोग साथ में बैठे थे। इनफैक्ट मैंने बोल के रखा था कि हमें साथ में बिठाइएगा ताकि हम लोग एटलीस्ट वी गेट अक्वेंटेड विद ईच अदर। बातचीत हुई, कुछ एक वाइब होती है, यू नो यू नीड टू बी, आपको अगले 2 दिन किसी के साथ स्पेंड करने हैं जिनके साथ आपको ऑन स्क्रीन रोमांस करना है, तो एक कंफर्ट लेवल बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है दोनों के बीच में। Yes. नहीं तो वो ऑन स्क्रीन दिखेगा। Yes. और वो आप उसको चीट नहीं कर सकते हैं। तो इट वाज वेरी वेरी नाइस, इट वाज ग्रेट, वेरी इजी, हैप्पी गो लकी डोनाल्ड। हम इनसे मैंने सारी खुद की इनसे सारी उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी चीज़ें, इनकी फैमिली, सनसाइन, दुनिया भर की चीज़ें मैंने इनसे पूरा निकलवा लिया। मतलब अच्छा ऐसा सब ठीक है अच्छा ये ऐसी है, इसका ये सनसाइन है ना, मुझे अच्छा ऐसे बात करनी है ना। ये सारी बातें फ्लाइट में, अरे वी वर जस्ट टॉकिंग एंड टॉकिंग, आई थिंक इट वाज सच अ फ्लो। एंड इनको काफ़ी कुछ पता है, इतना सारा नॉलेज है इंडस्ट्री का, इतनी सारी बातें। सो वी वर हैविंग अ लॉट ऑफ यू नो टॉक्स, मीनिंगफुल टॉक्स अबाउट लाइफ, अबाउट इंडस्ट्री, अबाउट पीपल, अबाउट सन साइन, मून साइन, एवरीथिंग, अबाउट सॉन्ग्स। डॉनल पिछले साल बिग बॉस के घर पे भी थे, तभी आपने देखा रहेगा उनकी जर्नी काफी अमेजिंग, काफी शानदार जर्नी थी उनकी। थैंक यू। आपने कुछ उस घर के रिलेटेड कुछ बातचीत उनकी हुई आपकी? मुझे आइडिया भी नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मैं ज़्यादा टीवी देखता ही नहीं हूँ। Yes. तो आई डेंट नो एट ऑल। मुझे तो बाद में पता चला, मैं माई वाइफ वॉचेज इट अ लॉट। Yes. तो उन्होंने मुझे बताया। Did she told you before this song? No. After I came back, I showed her the photographs, like oh okay she was there in the Bigg Boss house, like चलो very good। तो उन्होंने कुछ कहा कि she used to play like this, ये सीजन नहीं थी, लास्ट सीजन में थे। नहीं, not really। ओके डोनाल्ड, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि डोनाल्ड, मैं जिस तरह बिग बॉस की बात कर रहा हूँ, आपके जितने भी कंटेस्टेंट थे उस घर की मैं बात करूँ, सब लोग टेलीविजन कर रहे, मोस्ट ऑफ देम आर डूइंग टेलीविजन, बट आई हैव सीन यू डूइंग एक OTT आपने किया, काफ़ी शानदार, फिर आप गाने कर रहे हो, व्हाई नॉट टेलीविजन? ओह टीवी के लिए यार मुझे हर रोज़ फ़ोन आता रहता है फ्रॉम ऑल द प्रोडक्शन हाउसेस, बालाजी, रश्मि शर्मा, स्वास्थ्य, यू नो। बट right now I really want to explore myself. मतलब TV is a very comfort zone for me. I can any day, any time do any show which I like. I know that and people also know that. And I think people are also very excited that I am giving this break and I am trying my best to do something different also in my life. So I think everybody जिनके साथ मैंने अभी तक काम किया है, they all are also you know appreciating this thing कि why not try for some other thing as well. OTT हो गया, films हो गया, I don't want to have this regret in my life कि मैंने यार कोशिश तक नहीं की। So वो मैं कोशिश जारी है, देखो कब रंग लाती है कोशिश, कब क्या होता है, I don't know, fingers crossed, but I just want to give my 200% to it. But डोनाल्ड, कई हद तक क्या आपको लगता है कि OTT में एक्सप्लोर करना ही काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि जिस तरह OTT की आपकी फैन फॉलोइंग है, इट्स वेरी गुड, इंडिपेंडेंट सॉन्ग की बात करूँ, इट्स वेरी गुड, अब तक टेलीविजन की हमने नहीं देखी, ये दोनों की जो टारगेट ऑडियंस है काफ़ी हाई है। तो उसमें ज़्यादा एक्सप्लोर करना आपको पसंद आएगा इन फ्यूचर? मैं एक्चुअली क्या टारगेट ऑडियंस है क्या नहीं है उस हिसाब से तो मैंने कभी भी ऐसे काम नहीं किया है। जो मेरा दिल करता है, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करती हूँ। सो आई रियली वांट टू एक्सप्लोर माई टैलेंट थ्रू OTT। आपको ना आपका कैरेक्टर और डिफरेंट आपको प्ले करने के लिए मिलता है, आपको पहले से पता होता है कि आप क्या बनाने जा रहे हो, यू कैन रिहर्स दोज थिंग्स, यू कैन बी वेरी वेरी प्लान्ड कि आप जब सेट पे जाते हो यू नो एवरीथिंग, यू नो। सो वो चीज़ जो एक्सपीरियंस होता है व्हेन यू नो द होल स्टोरी, आई थिंक यू परफॉर्म ऑल्सो बेटर एंड आई लव दैट जो प्री प्रोडक्शन होता है, जो होमवर्क होता है कैरेक्टर को लेके, आई वॉन्ट टू गो इन टू द कैरेक्टर, सो वो सब में मुझे काफ़ी मज़ा आता है. आई वॉन्ट टू बिकम दैट कैरेक्टर दैट पीपल कैन रिलेट टू मी लाइक दैट. जैसे तू जख्म है में आई वॉज प्लेइंग द साइकैट्रिस्ट, तो लोगों ने वो रिलेट किया, तो वो मज़ा जो है आई थिंक आई रियली वाना फील दैट. एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि फ्यूचर में और क्या क्या प्रोजेक्ट्स होंगे. बिग बॉस का फिनाले जल्द आने वाला है, लास्ट नेक्स्ट वीक में. किसको सपोर्ट कर रहे हो, क्या लगता है कौन जीतने वाला है? Whoever is doing good, I support everyone. आप फॉलो कर पा रहे हो? मैं नहीं कर पा रही हूँ. कितने बार पूछोगे एक सवाल? आप फॉलो, ये आपकी, आपने कहा वाइफ वो ही देखती हैं, तो हमारे उनसे कोई बातचीत हुई कौन इस बार? नथिंग. ओके, तो जाते जाते दो लाइनें. हाँ, श्योर. तो रुस जावा मैं मना लिया कर, समझ जाया कर, समझा दिया कर. छोटे मोटे पंगे दिल ते न लई दे, प्यार नालो नानू सुलझा लिया कर. तेरे मेरे प्यार दी गल बड़ी प्यारी, तेरे मेरे प्यार दी गल बड़ी प्यारी. ना मैं कदे जितया ना तू कदे हारी, ना मैं कदे जितया न तू हारी, ना मैं कदे जितया न तू हारी. जदों रुस जावा मैं मना लिया कर, समझ जाया कर, समझा दिया कर. थैंक यू राघव जी एंड थैंक यू डोनल. थैंक यू सो मच.